अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू तो केमिस्ट्री विद मुदसर तनोली आई एम मुदसर एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद मुदसर तनोली डियर स्टूडेंट्स अगर अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और साथ में लगे बेलाइकन्स को दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकन्स डियर स्टूडेंट्स एंड टूडे लेक्चर आई विल डिस्कस अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन एंड साइक्लो अल्केन आज का जो लेक्चर है इसमें अल्केन और साइक्लोअल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टीज आपके साथ डिस्कस करूंगा इन टुडे लेक्चर आई विल डिस्कस अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन अल्केो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्केन इज फर्स्ट फोर मेंबर

नेक्स्ट थर्टीन मेंबर्स फ्रॉम कार्बन नंबर फाइव टू कार्बन नंबर सेवनटीन आर कलरलेस लिक्विड्स और नेक्स्ट जो थर्टीन मेंबर्स हैं कार्बन फाइव से कार्बन सेवनटीन तक ये कलरलेस लिक्व हैं वायल हायर सॉलिड्स और हायर मेंबर जो हैं वो वैक्स लाइक सॉफ्ट सॉलिड्स हैं द फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्केन इज द फर्स्ट फोर मेंबर्स From carbon number 1 to carbon number 4, methane, ethane, propane, and butane are colorless gases. Next 13 members from carbon 5 to carbon 17 are colorless liquids, while higher alkanes are wax like soft solids. It is the first physical property of alkane. The second physical property of alkane is alkanes are. नॉन पोलर दियर फॉर सॉलोबल इन नॉन पोलर सॉलवेंट्स लाइक सी सी एल फोर कार्बन टेट्रा क्लोराइड एन सी सिक्स एच सिक्स हेगैन सी सिक्स एच सिक्स इज द फार्मूला ऑफ बेंजीन बट इन सालबल इन पोलर सालवेंट सच एज वाटर डेयर स्टूडेंट्स नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी अल्केन की यह है कि ये नॉन पोलर हैं जिसकी वजह से ये नॉन पोलर सॉल्वेंट सी सी एल फोर कार्बन टेट्रा क्लोराइड और बेनजीन के अंदर जो है ये क्या है सॉल्युबल हैं बट इन सॉलुबल इन पोलर सॉल्वेंट सच एज वाटर और वाटर जो के पोलर सॉल्वेंट है इसमें ये सॉल्युबल नहीं है इन सोलुबल इन Polar solvent such as water. It is the second physical property of alkane. Alkanes are nonpolar, therefore soluble in nonpolar solvent like carbon tetrachloride and benzene, but insoluble in polar solvents such as water. The third physical property of alkane is the boiling point of normal alkane increase with increase in molecular weight. नॉर्मल अल्कै जो हैं स्टूडेंट्स इनका बॉइलिंग पॉइंट जो है इंक्रीज होता है विद इंक्रीज इन मालिकुलर वेट स्ट्रेट चेन हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट्स देन द आइसोमेरिक ब्रांच अल्केस स्ट्रेट चेन अल्केंस जो हैं स्ट्रेट चेन अल्केकेंस वो होते हैं जिनमें कार्बन एटम जो है स्ट्रेट लाइन में जो है अरेंज किए होते हैं इनका बॉइलिंग पॉइंट जो है हायर होता है एज कम्पेयर टू ब्रांच चेन अल्केकेंस It is the third physical property of alkane. The boiling point of normal alkanes increases with increase in molecular weight. Straight chain alkanes have higher boiling points than the isomeric branch alkanes. The fourth physical property of alkane is generally the melting point of alkanes also increase with increasing molecular weight, however exceptions are there.

लेकिन जो है कुछ एक्सेप्शन केसेस हैं द फिफ्थ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्केन इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अल्केन इंक्रीज विद इंक्रीजिंग मालिक्युलर वेट डियर स्टूडेंट्स स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है की वो भी इंक्रीज करती है विद इंक्रीजिंग मालिक्युलर वेट द सिक्स नंबर फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्केन इज ंग द नर ऑफ कार्बन ऐटम इन द मालिक्यूल जैसे ही मालिक्यूल के अंदर कार्बन नंबर जो है इंक्रीज होंगे तो विस्कासटी भी क्या होगी इंक्रीज होगी विस्कासटी आल्सो इंक्रीज विद इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ कार्बन ऐटम इन द मालिक्यूल इट इज दिक्स नंबर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन डे स्टूडेंट्स ये जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज थी अल्केन की सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टी ये है कि पहले चार मेंबर जो हैं अल्केन्स के मीथेन इथेन प्रोपेन और ब्यूटेन ये जो है कलरलेस गैसेस हैं नेक्स्ट थर्टीन मेंबर जो हैं वो कलरलेस लिक्विड हैं और हायर मेंबर जो है, वो वेक्स हैं वो वैक्स लाइक ऑफ सॉलिड्स हैं उसके बाद नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी ये कि अल्केन जो हैं वो नॉन पोलर इन नेचर हैं इस वजह से ये नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर कार्बन टेट्राक क्लोराइड और बेंजीन में ये सॉल्युबल हैं और वाटर जो कि पोलर सॉल्वेंट है इसमें ये इनसॉल्युबल हैं थर्ड फिज़िकल प्रॉपर्टी अल्केकैन की यह है कि बॉइलिंग पॉइंट नॉर्मल अल्केकैन जो है उनका इंक्रीज करता है विद इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर वेट स्ट्रेट चेन अल्केकैन जो होते हैं उनका बॉयलिंग पॉइंट हाइयर होता है एज कम्पेयर टू आइसोमेरिक ब्रांच चैन अल्केन्स और जर्नली मिल्टिंग पॉइंट भी अल्केन का इंक्रीज करता है विद इंक्रीजिंग मालिक्यूलर वेट बट सम आर देयर द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अल्केन्स इंक्रीज विद इंक्रीजिंग मालिक्यूलर वेट स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है अल्केन की वो भी इंक्रीज करती है जब मालिक्युलर वेट इंक्रीज हो और जब मालिक्यूलर वेट इंक्रीज़ हो नंबर ऑफ़ कार्बन आइटम मालिक्यूल में इंक्रीज हो तो विस्कासटी भी जो है इंक्रीज करती है दीज आर द डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन नाउ आई विल डिस्कस अबाउट द फिज़िकल प्रॉपर्टीज ऑफ साइक्लो अल्केन डियर स्टूडेंट्स ये जो अभी तक मैंने आपके साथ डिस्कस की ये जो है अल्केन्स की जो है फिजिकल प्रॉपर्टी थी अब जो है साइक्लो अल्केन जो हैं उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ आपके साथ डिस्कस करूँगा कि साइक्लो अल्केन की फ़िज़िकल प्रॉपर्टी कौन कौन सी हैं द फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लो अल्केन इज द फर्स्ट टू साइक्लो प्रोपेन एंड साइक्लो ब्यूटेन आर गैसेज अल्केन के फर्स्ट टू मेंबर जो हैं प्रोपेन और ब्यूटेन ये जो है क्या हैं गैसेस हैं वायल रिमेग साइक्लो आर लिक्वड और बाकी साइक्लो अल्कैन जो हैं वो लिकुड फार्म में हैं द फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लो इज फर्स्ट टू मेम्बर साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेन आर गैसेज वाइल रिमेनिंग साइक्लो अल्कै आर लिक्विड्स द सेकेंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लो अल्के आर इन सॉलुबल इमेसीबल इन वाटर बट सॉलुबल इन ईथनॉल एंड ईथर डियर स्टूडेंट सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी जो है अल्केन की यह है कि ये इन सोलबल हैं वाटर में वाटर चूँकि पोलर सॉल्वेंट हैं और अल्केन जो हैं वो नॉन पोलर हैं जिसकी वजह से ये वाटर के अंदर सॉलोबल नहीं हैं इनसोलोबल हैं वाटर में और ये सॉलोबल हैं इथेनॉल और ईथर में द सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लो अल्केन इज़ दे आर इनसॉलुबल इमिसेबल इन वाटर बट सॉलूबल इन इथनॉल एंड ईथर इथनोल और इथर जो है इसमें ये सॉलुबल है जबकि वाटर के अंदर यह सॉलुबल नहीं है द थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लोल कैन इज देअर मेल्टिंग एंड बॉयलिंग पॉइंट इनक्रीज ग्रेजुअली विद इंक्रीजिंग मालिक्युलर वेट्स डियर स्टूडेंट्स साइक्लो अल्केन जो हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है ग्रेजुअली विद इंक्रीजिंग मालिकुलर वेट्स तो साइक्लो अल्केन का भी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जैसे ही मालिकुलर वेट जो है इंक्रीज होता है तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इसका भी इंक्रीज होता है तो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी जो है आपके साथ मैंने डिस्कस की फर्स्ट जो है नॉर्मल जो अल्केन्स हैं अब अल्केन्स और अल्केन्स में डिफरेंस क्या है साइकिलोल अलके, नॉर्मल अल्केन्स तो वो होते हैं जिनमें कार्बन एटम जो है स्ट्रेट चेन की फार्म में हो की साम में न हो फॉर एग्जांपल इथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन दीज आर द नॉर्मल अल्केज और साइक्लो जो होते हैं उनमें कार्बन एटम जो है वो साइक्लिक फॉर्म में अरेंज किए होते हैं फॉर एग्जांपल साइक्लो प्रोपेन साइक्लोब्यूटेन साइक्लोपेंटेन दीज आर डिफरेंट एग्जांपल ऑफ साइक्लो अल्केन्स। तो अल्केन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मैंने आपके साथ डिस्कस की कि अल्केन के पहले फोर्थ मेंबर जो हैं मीथेन इथेन प्रोपेन और ब्यूटेन ये कलरलेस गैसेज हैं नेक्स्ट थर्टीन मेंबर जो हैं वो कलरलेस लिक्विड हैं और हाइयर मेंबर जो हैं अल्केस के वो वैक्स लाइक सॉफ्ट सॉलिड्स हैं नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी जो है कि अल्के जो हैं वो नॉन पोलर इन नेचर हैं जिसकी वजह से ये वाटर के अंदर सॉलोबल नहीं हैं और ये बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड में सॉलोबल हैं थर्ड फिज़िकल प्रॉपर्टी ये थी कि बॉयलिंग पॉइंट जो है अल्के का इंक्रीज करता है विद इनक्रीजिंग मालिकुलर वेट इसी तरह मेल्टिंग पॉइंट भी जो है अल्केन का इंक्रीज करता है विद इंक्रीजिंग मालिक्यूलर वेट बट हाउ एवर एक्सेप्शन आर देयर द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अल्केन इंक्रीज विद इंक्रीजिंग मालिक्यूलर वेट एंडकासटी आल्सो इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द मालिक्यूल एंड द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लो अल्केन साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेन आर गैसेज एंड रिमेनिंग साइक्लो अल्केज आर लिक्वट्स दे आर इनसॉलुबल इन वाटर बट सॉलुबल इन इथनॉल एंड ईथर साइक्लो अल्केर सॉलुबल इन इथनॉल एंड ईथर बट इन सोलबल इन वाटर एंड द मिल्टिंग एंड बॉयलिंग पॉइंट ऑफ साइक्लो अल्केक्रीज ग्रेजुअली विद इनक्रीजिंग मालिक्युलर वेट्स तो डियर स्टूडेंट्स आज का जो लेक्चर है इसमें आपके साथ मैंने फिजिकल प्रॉपर्टीज अल्के और साइक्ल्केकैन की डिस्कस की उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आया होगा फिर भी किसी स्टूडेंट का कोई भी क्वेश्चन हो तो वो कमेंट बॉक्स में बता सकता है और किसी भी पॉइंट पे आपको समझ नहीं आई हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं साइक्लोल्केकैन और अल्केन्स की फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ मैंने आपके साथ डिस्कस की और आर्गेनिक केमिस्ट्री के और भी लेक्चर में आपके साथ जो है डिस्कस करूँगा तो केमिस्ट्री विद मुदसर तनोली चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और वीडियो को आगे शेयर करें और जिन स्टूडेंट ने जो है इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो आर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत सारे लेक्चर जो है वो चैनल पे अवेलेबल हैं थैंक यू फॉर वाचिंग